मुल्तानी फेमिना जहां, फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। लखनऊ सचिवालय में तैनात महिला संविदा कर्मी से अश्लील हरकत करने के आरोपी को पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही महिला ने अनुसचिव इच्छाराम यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 29 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बावजूद इसके उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब जबरदस्ती अश्लीलता करने का वीडियो वायरल हुआ तो शासन में प्रशासन जैसे हरकत में आ गया। 12 दिन बाद अनुसचिव इच्छा राम यादव को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस दौरान अनुसचिव ने महिला को शिकायत करने पर नौकरी से निकलवा देने की भी धमकी दी थी। यह सारा मामला अल्पसंख्यक विभाग में संविदा पर कार्यरत महिला से जुड़ा है। पीड़ित महिला का कहना है कि इच्छा राम 2018 से लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करता चला आ रहा था। जब हद पार हो गई तो उसने अनुसचिव इच्छा राम का वीडियो बना लिया। इस मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि सचिवालय हो, सड़क हो या कोई स्थान, यूपी में महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं। सरकार के महिला सुरक्षा के दावे की यही असलियत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।